ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया। धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान जैसे पूरी तरह से बौखला गया। बौखलाहट में उसने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसका खामियाजा उसे उल्टा ही भुगतना पड़ रहा। जनता बेहाल है और खाने को पैसे नहीं। इमरान खान की सरकार के मंत्री अभी भी कश्मीर राग अलाप रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसका मतलब ही शायद उन्हें भी ना पता हो। उनके बयान सिर्फ पाकिस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारत सरकार के कश्मीर पर लिए गए फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की बात की। लेकिन वहां की सरकार में ही उनके इस फैसले पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही। अब इस फैसले को असल में देशहित में देखा जाए या फिर भारत के खिलाफ दिए गए उनके बेतुके बयानों में। हालांकि उनके इस फैसले पर उनके ही देश का विधि मंत्रालय सहमत नहीं है। वहां के विधि मंत्रालय और वहां की सरकार में इस फैसले को लेकर असमंजस बरकरार है। अपनी बौखलाहट में वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गिद्दड़ भभकी तो दे दी, लेकिन उन्हें खुद इस फैसले पर अभी बहुत विचार करने की जरूरत है। हालांकि अगर पाकिस्तान ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाता है तो उसे भी पता है कि उसकी हार सुनिश्चित है। बताते चले कि भले ही शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने की बात कर दी हो, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के विधि मंत्रालय की अंतिम राय आनी बाकी है कि इस मामले को ICJ में उठाया जाए या नहीं। अभी तक मंत्रालय ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कई वकीलों ने भी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर आश्चर्य जाहिर किया है। वहीं पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बारे में राय बटी हुई है कि ICJ के क्षेत्राधिकार के मद्देनजर मामले को कोर्ट में ले जाया जाए या नहीं। अखबार ने अपने रिपोर्ट में ICJ के प्रावधानों के हवाले से यह भी कहा है कि कश्मीर मामले में भारत को कटघरे में खड़ा कर पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन होगा। वहीं पाकिस्तान के विधि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द किए जाने के कानूनी नतीजों के बारे में ICJ से सलाह लिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। इससे इतना तो साफ है कि पाकिस्तान इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह से इमरान की सरकार में इस एक मुद्दे को लेकर खींचतान हो रही है वो पाकिस्तान सरकार की खस्ता हाल की तरफ जरूर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।